सुनाओ बस यार, देख टूटी भी बाइक ही थी, इसका तो मैंने गार्ड भी नहीं देख यार। ओ तू तो देख ही नहीं सकता यार, लेकिन क्या सुनाओ, अजीबो गरीब अब्बा है, इकलौते बेटे के साथ ऐसे करते हैं, टूटी हुई बाइक है, नई बाइक भी नहीं लेके दे रहा, पिछले 2 सालों से कह रहा हूँ, क्या कहूँ मैं अब। और तू सुना, क्या तूने नया मंटू बाइक लिया? वाह ट्रीट। अच्छा यार, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आ नहीं सकता। जान बेटा, जान बेटा, मेरे गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें तो लेते आओ। पैटे से आओ, तेरे अब्बा दी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जहाँ 20-20 रुपए दे बिस्किट फट रहा छेती हो। मुझे नई बाइक ही ले दे, देखिए इस पे किस तरह जाओ। भाई मेरी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं की, तू जब कमाएगा ना जाके ले ले, चल निकल, ऐसे ही जा, ऐसे ही जा, चल चल बैठ, शाबाश, निकल जा रहा हूँ। छेती जी 10 मिनट के अंदर ना आया तो तेरी पॉकेट में नहीं कार्ड लेनी है मैं। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ, शाबाश, जल्दी निकल। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार मैंने बाइक ले ली, अब्बा इतना चवला लेके देता, एक बाइक लेता क्या करता, चलो खैर माशाल्लाह से ले लूँगी। अब एक जरा राउंड ही मार रहा हूँ जी। बाइका से? बाइका से क्या मतलब, मेरी बाइक है, मेरी बाइक कहाँ से आई, मैंने खरीदी है एक दिन के अंदर, मेहनत है, कौन सी मेहनत है भाई जी, एक दिन में नई बाइक आ जाती है, ये टैलेंट है मेरा, टैलेंट भाई मैं भी बताऊँ, हम करोड़ों की जड़ आते बना रहे हैं। अब्बा जी ये आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, आपको समझ नहीं आएगी, हर एक के बस की बात है। टैलेंट है बताओ ना जरा, किस किस्म का टैलेंट है? नहीं वो फिट पार्ट टैलेंट है, आपको फिर कभी बताऊं। मेरी बात सुन ले, अगर तुझे चोरी की हुई अस्तगफिरुल्लाह, आपको मैं ऐसा लगता हूँ जी, वो मैं तेरे फिटकार पड़ी हुई, अगर तुमने कह रहा है ऐसा लगता है ना, बाइक साफ करने के लिए बाइक चलाने वाली नहीं है। लेकिन आपके बेटे ने ले लिया, मैं जरा कैसे नहीं है ये बता दे, कैसे नहीं है, मेहनत की है बस, आप मुझे मेरी मेहनत, मैं जरा भाई मैं जरा ना उठ मारूं तेरी मेहनत, तुम्हारे मैंने नहीं किया, याद रखी मेरी बात, तुझे फिट हिट लिटर लाइफ तेरी यार, तेरी लाइफ तेरी यार, यार तुझे क्या बताऊँ यार, पैसों की शदीद होता है यार, अब हॉस्पिटल में कैसे, उनको हार्ट अटैक आया यार रात को, किस टाइम यार ये याद नहीं, मैं बहुत टेंशन में हूँ, हम पहुँच दो हॉस्पिटल में, उसमें 1.5 लाख यार, वो तू छोड़, तुम्हें कहा 1.5 लाख की जरूरत है मुझे। अगर तू 2 दिन पहले आ जाता ना यार, तो मैं तुझे दे सकता था, मैंने गाड़ी ले ली, खर्चे फीसे ये वो, मेरे पास इस टाइम 60,000 है, चाहिए 60,000 यार, वो ही दे दे यार, दे 60,000 दोस्त के काम आएगा, और कौन है। थैंक यू यार, तू मेरी, मैं आऊँगा मिलने कल यार, मिलने की जरूरत नहीं, तुम अभी नहीं ना मिल नहीं सकते ना, किसी डॉक्टर ने मना किया है, चल मैं बाद में बात दूंगा यार, बहुत थैंक यू यार, कोई मसला नहीं, दोस्त के काम आते हैं, एक आपको बात करनी थी, लाइट बैंक है, ठीक है, थैंक यू यार। यार मैं ये मोबाइल बेच रहा हूं, तुझे पता है कि बन रहा हो यार, क्यों मोबाइल तूने क्यों बेचा यार, करना अब्बा जी गिर गए हैं, उनके पाँव में फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल में किया, तो डॉक्टर ने कहा 60,000 का खर्च जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है यार, कोई मसला ही नहीं, 60,000 चाहिए तो मैं दे देता हूँ। थैंक यू यार, कोई मसला ही नहीं यार, 60,000 तुझे चाहिए, कोई मसला नहीं, आप घर चलते हैं, मैं तुझे चेक दे देता हूँ। थैंक यू यार, बहुत बहुत थैंक यू। नई बाइक कहाँ से आई है? हेलो, हाँ बस यार मैं पहुँच रहा हूँ, तेरे भाई ने नई बाइक ली है, हाँ यार बस पहुँच गया, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आ गया बस, नहीं ले ओए जान, ओए बताते हम मसरूफ है दोबारा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल आपका, ठीक हो? अगर आप ठीक हो गए, आपका पाँव सेट हो गया है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था, आपको कितनी बात कर दी है जब तक ठीक हो, सॉरी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वो आपका बेटा कहाँ से है? वो नलायक आदमी, ऊपर होगा जाके देख लो, चलो ठीक है, उसको जो अक्ल सिखाओ, उसके बाद कोई दिमाग वगैरह है नहीं, उसको अक्ल वाली बातें सिखाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक।
और भी जान भाई कैसे हो ठीक तू यहाँ पे कैसे था यार तेरे घर के बाहर से गुजरा था सोचा तेरे को खबर ले मगर उनकी तो टांग बिल्कुल ठीक है वो कह रहे हैं मैं तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे यार असल में ना वो उस दिन जब जब बताया था ना गिरे थे पांव के बाद पांव में छोड़े थे जब उनका सर नीचे लगा था सटे आ गए चलो अच्छा भाई मेरे पैसे वापस कर दें यार मेरे पास तो बाइक तक नहीं पैसे कहाँ से दूँ यार पैसे मेरे पास पिछले दो बाइक रिबांडो पे खड़ी है वो मेरी सी है यार वो ना बस यार पता क्या कहूँ मुझे किस तरह बताऊँ किस तरह आई है अच्छा चल फिर यही काम करते हैं ना इधर बाइक की चाबी मुझे ला दीजिए बाइक तेरी मैं ले जा तू तो तेरे पास पैसे आएंगे ना मेरे भाई मुझे पैसे दे दे बाइक नहीं यार ये ऐसे नहीं बस ठीक है तो तेरे पास पैसे आएंगे ना मुझे यार नहीं बाइक पैसे दे के बाइक ले यार बाइक नहीं मोहित ओए ये तो जान की बाइक का नंबर है ये यहां पे क्या कर रही है यार क्या करूं यार पैसे ले बाइक ले गया अमान क्यों कॉल कर रहे हेलो हाँ अमान ओए हेलो अजान भाई मैं तो साफ कह रहा हूँ तेरी बाइक मेरे पास है पैसे दे जाए बाइक ले ली अगर नहीं पैसे देने खैर है मुझे होंडा मिल गया मुझे वैसे भी चाहिए था चल ठीक है देने हो तो आके ले जाए ठीक है ओके चल निकल का मतलब है कि मोहित बाइक लेके गया है अमान कॉल कर करे बाइक उसके पास है कहीं ऐसा तो नहीं कि अमान ने बाइक वहाँ से ले ली हो मेरी समझिए ओ यस यार मोहित को कॉल करता हूँ यार जॉन का फोन आ गया हेलो हेलो मोहित हाँ यार तेरे पैसे का इंतजाम हो गए तू ऐसा कर बाइक लेके आ जा ठीक है हो गया पैसों का इंतजाम चल मैं तेरे पास आ रहा हूँ मैं तुझे तेरी बाइक वापस कर दूंगा तू मेरा 60,000 दे दे ठीक है मैं अभी आया आ गया मैं तेरे पास खुदा हाफिज़ ओए बाइक किधर गई और अभी तू यहीं खड़ी थी चल ठीक है अजान के पास चलता हूँ उसको करते हैं बात जाके ओ मोहित साहब कैसे हो यार मैं तुम्हारे पैसे ले यार तू एक मिनट बैठ दी बात सुन क्या हो गया वो भी तुझे दे दूंगा चल फिर वो मुझे अभी दे अभी नहीं मेरी जब आएगी सर नहीं नहीं अभी चल आ चल दे अभी अभी दे चल ये बड़ा फिट हो गया अच्छा मोहित से तो 60,000 ले लिया मान को कॉल मिलाता हूँ हेलो मान हाँ यार अपने पैसे तो आके ले जाओ मेरी बाइक दे जाओ हाँ हाँ अभी आके ले जाओ ठीक है मैं तेरा वेट कर रहा हूँ ओके तुम्हारी बाइक अब जल्दी मान साहब ये लो इस वॉलेट में रखी है देख लो पूरे आजकल का जमाना बड़ा साहब ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ थैंक यू वेरी मच मेरी बाइक के लिए आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कराची लिंगो और टक्कर दूंगा प्लेबैक सिंगर यो यो हनी सिंह को कैसे ना देता टक्कर मैं सुनता हूँ बोहेमिया पैसा नशा प्यार तीन रोज में बड़ी दुनिया और इसी दुनिया में मौजूद कराची नाम जगनामी भरे पड़े हरामी नुमाइंदा हूँ आजियो ए जम्मे आज दिना तू महीने हुंदे गए यार होनी थोड़े एक महीने हुंदे गए पहली गाल चाचा जी ने कंडनी सिखाई पहली गाल चाचा जी ने कंडनी सिखाई गाला कंडदा सी बिल्ला फिर आम हो गया सोन मार भी टप्पिया है सितार मार भी टप्पिया है गाल में मुंडा बदनाम हो गया जानने वाले कहीं मेरा कम है काम का ना चलो इस रास्ते लेके नाम शैतान का मुझे ना परवाह करूं काम खुले आम सारी ये खूबियां तोहफा खुदा का कब्र सबकी खबर सबने रखनी गुनेगार कहीं मुझे दिमाग से बीमार अपनी मंजिल किसी बात का डर नहीं